हेलो बच्चों, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दील हो गया इंजीनियर, यूं गदगद तब्दील हो गया इंजीनियर। तुम यूं भी प्रेम में लूट ही जाओगे, लाजवाब हो लेकिन लूट ही जाओगे। मेरे दोस्तों, ये ट्रिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक के एलिमेंट्स को याद करने की। ये बेहतरीन ट्रिक मैंने आपसे डिस्कस की। आइए, इस ट्रिक को कैसे यूज करना है इसको डिटेल में जानेंगे। इसके लिए आपको पूरी कंसेंट्रेशन, पूरे फोकस के साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देखना होगा और ट्रिक को ध्यान से देखिए। सीने से क्या बनेगा? पर यार नदियां एंड समय से क्या बनेगा? ऐसे क्या बनेगा? तब्दील से हम बात करेंगे टू एलिमेंट्स। लाजवाब हो लेकिन लूट जाओगे, इससे हमें एनयू को याद करना है। आई होप आपने एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक इन सभी एलिमेंट्स को इस बेहतरीन टेक्निक से याद किया। चलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दुनिया में आगे चलते हैं। अब वक्त हो गया है एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक के एलिमेंट्स को याद करने का। 90 से 103 एलिमेंट्स को बोलेंगे एलिमेंट्स हो एक्टिनाइड। आप जानते होंगे यहाँ पर हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कितनी सीरीज है, यहाँ टू सीरीज है। कौन कौन सी सीरीज है ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो टू सीरीज है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, किस प्रकार से एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज सेकंड क्या है, एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक एक्टिनाइड सीरीज है। एक्टिनाइड सीरीज आपके सामने इस प्रकार से एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक एक्टिनाइड सीरीज है। इसके सभी एलिमेंट्स को हमने याद कर लिया है। एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक के एलिमेंट्स की जो सीरीज है इसे बोलेंगे एक्टिनाइड सीरीज। और इन दोनों ही सीरीज के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनसे रिलेटेड हमारा डिस्कशन प्रीवियस सेशन में हो चुका है, आज हमें कुछ और बातें जाननी है। देखिए, एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के लिए निमोनिक्स क्या है, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। देखिए, टीएच पीए यू एनपी यहां तक आपने याद किया, इसके बाद पुराने आम कम बिकेंगे। आम खराब होंगे तो कम ही तो बिकेंगे, काफी पुराने आम खराब हो जाएंगे, कम बिकेंगे पुराने आम, पीयू आम एम कम सीएम बिकेंगे बीके। आई होप आपने यहां तक भी नोट किया होगा। आगे देखिए, सिर्फ इस फैमिली की आमदनी में नो लड़की राजी, लड़की आएगा यहां। देखिए, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, जॉब नहीं लगेगी, फैमिली की आमदनी नहीं होगी तो शादी कैसे होगी? जी हाँ, कोई लड़की राजी नहीं होगी इतनी कम आमदनी में। तो ये लाइन इस बात के ऊपर बनाई गई है, सिर्फ इस फैमिली की आमदनी में नो लड़की राजी। देखिए, सी एफ सिर्फ इस ES, फैमिली FM, आमदनी से MD, नो लड़की राजी, नो लड़की राजी LR। आई होप आपने इन सभी एलिमेंट्स को याद कर लिया होगा। आई होप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने इतनी अंडरस्टैंडिंग तो बना ली होगी, कितने एटॉमिक नंबर से कितने एटॉमिक नंबर तक
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और साथ में लेंथेनाइड सीरीज के कौन कौन से मेंबर्स होंगे, एक्टिनाइड सीरीज के कौन कौन से मेंबर्स होंगे, इतना आप जान चुके हैं और इनके सिंबल भी आप जान चुके हैं। अब बारी है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जानने की। हेडिंग लगाइए, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए पॉइंट नंबर वन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू एफ सब सेल और एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हम प्रीवियस सेशन में बात कर चुके हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सब सेल या एफ ऑर्बिटल में एंटर होगा तो ऐसे केस में एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। आप जानते हैं एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑर्बिटल्स हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में एंटर होगा तो देखिए एलिमेंट होगा एफ ब्लॉक। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71 एंड 90 टू 103। आई होप ये भी आप जानते होंगे 58 टू 71 ये एलिमेंट्स लेंथेनाइड सीरीज के हैं एंड 90 टू 103 ये एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज के हैं। आप इन एलिमेंट से ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, द लेंथेनाइड्स अकर इन नेचर इन लो अबंडेंस। जी हाँ, लेंथेनाइड्स नेचर में पाए जाते हैं, इनकी अबंडेंस काफी कम होती है एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स। इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, अबंडेंस कम है, अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इनको रेयर अर्थ मेटल्स बोलेंगे। लेकिन वही बात की जाए एक्टिनाइड्स की, तो सभी एक्टिनाइड्स अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक्टिनाइड्स आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं। देखिए इसकी पूरी माया को जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बातें बुक्स में मेंशन नहीं होती हैं, आपने अगर ज्यादा रिसर्च कर रखी है तभी आप ऐसी बातों के बारे में जान पाएंगे और कमेंट भी कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा एटॉमिक नंबर 94 के बाद, एटॉमिक नंबर 94 के बाद जो एलिमेंट्स होंगे ये आर्टिफिशियली बनाए जाएंगे। जी हाँ, एटॉमिक नंबर 94 के बाद जो आप देख रहे हैं एक्टिनाइड सीरीज में एलिमेंट्स, ये नेचर में पाए नहीं जाते हैं, इनको आर्टिफिशियली ही बनाया जाता है। आई होप इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा और ये आपने जाना होगा क्यों लेंथेनाइड्स को ही बोला जाता है रेयर अर्थ मेटल्स, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में यही मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, बाकी मेंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बाकी मेंबर्स आपने देखा एक्टिनाइड सीरीज की एटॉमिक नंबर 94 के बाद आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में ही बनाए जाते हैं। आई होप इस पूरी माया को जानने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें बात करनी होगी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 की। देर आर 28 एलिमेंट्स इन एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनाइड सीरीज के 14 एंड एक्टिनाइड सीरीज के 14, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, 28 हुए। देखिए लेंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स कैसे हुए, एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक ये हुए 14 एलिमेंट्स। इसके अलावा एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक ये हुए 14 एलिमेंट्स। इस प्रकार से 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड सीरीज के हुए, टोटल एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 28 होंगे। आई होप ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। एक और पॉइंट आपके सामने है, एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71 आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स एंड फ्रॉम 90 टू 103 आर कॉल्ड एक्टिनाइड्स। काफी बार इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन हो चुका है। आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल दी मेंबर्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज आर रेडियोएक्टिव। एक्टिनाइड सीरीज के सभी मेंबर्स रेडियोएक्टिव होते हैं, लेकिन लेंथेनाइड सीरीज के सभी मेंबर्स रेडियोएक्टिव नहीं है। लेंथेनाइड सीरीज के मेंबर्स नॉन रेडियोएक्टिव हैं, एक्सेप्ट प्रोमीथियम पीएम के अलावा सभी मेंबर्स
नॉन रेडियोएक्टिव हैं, ओनली पीएम इज रेडियोएक्टिव इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, लैंथेनाइड सीरीज से कौन रेडियोएक्टिव है, केवल पीएम ही रेडियोएक्टिव है, ओनली पीएम इज रेडियोएक्टिव, याद रखना है पीएम ही क्या होगा, रेडियोएक्टिव होगा। आगे देखिए, ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर 92 किसका है, यूरेनियम का है, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे, देखिए कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये आपके सामने है, ये एलिमेंट्स होंगे एटॉमिक नंबर 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स हैं। आई होप आपने एक्टिनाइड सीरीज में इन एलिमेंट्स को देखा होगा, याद भी किया होगा, ये सभी क्या है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, ट्रांस यूरेनिक होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको काफी बार एग्जाम्स में देखा भी गया है, नोट कीजिए, द जनरल फॉर्मूला ऑफ दीज एलिमेंट्स। किस चीज का जनरल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का, जी हाँ, जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैलेंस शेल की है, देखिए n का मीनिंग है वैलेंस शेल, n का मीनिंग क्या है, ये वैलेंस शेल के कोरस्पोंडिंग है, n माइनस वन जस्ट एक सेल अंदर, ये कौन सी सेल होगी। काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में जाकर बताया था कि सर आप पेनल्टीमेट सेल किसे बोल रहे हैं, तो देखिए बच्चों ये जो n है ये वैलेंस सेल है, n माइनस वन क्या होगी, ये होगी पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट होगी। n माइनस टू क्या होगी, और अंदर चले जाएं, एक और अंदर चले जाएं, देखिए ये तो सबसे बाहर जो सेल है, आउटर मोस्ट सेल जहां पर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल n है, इसके बाद एक अंदर जाएंगे n माइनस वन पेनल्टीमेट सेल होगी, और अंदर जाएंगे n माइनस टू, ये क्या होगी, ये होगी एंटी, एंटी पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल होगी, n माइनस टू इज एंटी पेनल्टीमेट सेल। n क्या हो सकता है, n देखिए n हो सकता है या तो 6 या क्या हो सकता है 7 हो सकता है, n 6 होगा लेंथेनाइड्स के लिए, 7 होगा एक्टिनाइड्स के लिए, याद रखना है n 6 होगा लेंथेनाइड्स के लिए, लेंथेनाइड्स के लिए, और 7 होगा एक्टिनाइड्स के लिए, एंड 7 होगा एक्टिनाइड्स के लिए। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा, लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स के लिए किस प्रकार से n होगा ये आपके सामने। अब देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा कॉन्फिगरेशन का, वैलेंस सेल की कॉन्फिगरेशन क्या होगी, देखिए ns2 होगी, और पेनल्टीमेट सेल की क्या होगी, n माइनस वन एस टू पी सिक्स, डी क्या हो सकता है जीरो या वन हो सकता है, डी क्या हो सकता है जीरो या वन हो सकता है। और देखिए एंटी पेनल्टीमेट सेल की कॉन्फिगरेशन क्या हो सकती है, n माइनस टू एस टू पी सिक्स डी टेन एफ हो सकता है, वन से फोर्टीन कुछ भी, एलिमेंट्स की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, यह आपको जस्ट याद रखना है कैसे इस प्रकार से हमने डिफाइन किया है वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल की जनरल कॉन्फिगरेशन को, इसकी पूरी माया को हम तब जानेंगे जब मैं एक एडवांस लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर लूंगा, इसको भी आप याद कर लेंगे। ये होगा जनरल फॉर्मूला वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल एंड एंटी पेनल्टीमेट सेल की कॉन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करने का। देखिए इसी के साथ हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड डिस्कशन कंप्लीट होता है। अब वक्त हो गया है एक मायावी टेबल से मिलने का, जी हां एक टेबल जिसका था हमें इंतजार, जिस टेबल में हमें एलिमेंट्स को एक बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट करना था, वह टेबल हमारे सामने है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेरे दोस्तों हमारे सामने है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के बाद आइए इस टेबल को पूरा बारीकी से अंडरस्टैंड करें। ये हमारे सामने ग्रुप वन एंड ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। इस प्रकार से हमें वर्टिकल कॉलम्स कितने मिलते हैं, 18 मिलते हैं, आप देख सकते हैं 1 से लेकर 18 तक हमें वर्टिकल कॉलम्स मिलते हैं, कंटिन्यूटी में मिलते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टिल 18 मिलते हैं हमें। हीलियम पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है,
ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये बात अलग है। प्रॉपर्टीज इनसे मैच होती है तो 18th ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन कौन सा एलिमेंट है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन डिटेल में हो चुका है ये एस ब्लॉक एलिमेंट से। अगर आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स को बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया है तो चलिए इसके बाद बात करते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 18 तक कौन से एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके बाद देखिए ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक एक्सेप्ट हीलियम, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और नीचे आप दो सीरीज देख रहे हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। ये देखिए लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज ये आपके सामने है। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक ये लेंथेनाइड सीरीज है। एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक एक्टिनाइड सीरीज है। 58 से 71 तक लेंथेनाइड सीरीज है। आई होप इन दोनों ही सीरीज को आपने एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड किया होगा। आज के इस सेशन में इन दोनों सीरीज से रिलेटेड हमारी बात हो चुकी है। इसके अलावा देखिए यहां पर ग्रुप देख चुके हैं 18 है, पीरियड्स कितने हैं? N1, N2, N = 3, जी हां N = 4, N = 5, N = 6, N = 7। देखिए काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पीरियड नंबर क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक ये से मिसिंग है, एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक ये से ही मिसिंग है। तो हम बोल सकते हैं इनका पीरियड नंबर क्या होगा लेंथेनाइड्स का पीरियड नंबर क्या होगा, N = 6 होगा। और देखिए एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक एलिमेंट्स यहां से मिसिंग है तो पीरियड नंबर क्या होगा, एक्टिनाइड्स का पीरियड नंबर 7 होगा। अगर ये पूरी माया आपने अंडरस्टैंड कर ली है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे फॉलो होगा। ध्यान से देखिए N = 1 हमारे पास है, ये पीरियड नंबर फर्स्ट हमारे पास है। देखिए एटॉमिक नंबर 1 के साथ एलिमेंट यहां प्लेस्ड है, एटॉमिक नंबर 2 के साथ यहां प्लेस्ड है, यहां देखिए एटॉमिक नंबर 3 के साथ यहां प्लेस्ड है, 4 के साथ यहां प्लेस्ड है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद देखिए 11, 12 कंटिन्यूटी में इस प्रकार से एटॉमिक नंबर 18 तक आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। यहां देखिए एटॉमिक नंबर 19 से एटॉमिक नंबर 36 तक कंटिन्यूटी में एक एक एटॉमिक नंबर के डिफरेंस पर आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। यहां देखिए एटॉमिक नंबर 37 से एटॉमिक नंबर 54 तक एक एक एटॉमिक नंबर के डिफरेंस पर आपको मिल पाएंगे एलिमेंट्स। यहां देखिए कुछ नया आपको मिलेगा एटॉमिक नंबर 55, 56, यहां क्या होगा 57, और उसके बाद डायरेक्टली 72, 14 एलिमेंट्स गायब है। कौन से एलिमेंट्स हैं? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेंथेनाइड सीरीज के। आगे देखिए 72 से आगे कंटिन्यूटी में आपको एक एक एटॉमिक नंबर के डिफरेंस पर आपको एटॉमिक नंबर 86 तक एलिमेंट्स मिलेंगे। देखिए 86 के बाद 87, 88, यहां आपको एटॉमिक नंबर 89 के साथ एलिमेंट मिलेगा, लेकिन 90 से 103 तक एलिमेंट्स गायब हैं। जी हां, एटॉमिक नंबर 90 से एटॉमिक नंबर 103 तक एलिमेंट्स गायब हैं। गायब क्यों हैं? कि एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को नीचे यहां पर सेपरेटली इंडिकेट किया गया है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इनको सेपरेटली ही इंडिकेट करना होगा। इसके बाद देखिए एटॉमिक नंबर 104 से 118 तक के एलिमेंट्स आपको इस प्रकार से एटॉमिक नंबर के 1 यूनिट डिफरेंस के साथ ऐसे कंटिन्यूटी में आपको मिलेंगे। पूरी मायावी टेबल आपके सामने है, निमोनिक्स आपको बताए जा चुके हैं, इन एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है इनकी निमोनिक्स भी आपको बताए जा चुके हैं। आई होप पूरी टेबल आपको याद हो चुकी है, आई होप आपने इसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी।
इस पूरी जादवी कहानी को जानने के लिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अलोंग पीरियड्स और अलोंग ग्रुप्स काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा। उसके बाद इस टेबल को आप लॉजिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, अगर बात की जाए अलोंग पीरियड्स, अगर पीरियड्स के अलोंग बात की जाए तो देखिए हमें क्या मिलता है। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सेम वैलेंस शेल। जी हाँ, हाइड्रोजन से हीलियम तक बात की जाए पीरियड नंबर 1 के केस में, या फिर बात की जाए लिथियम से नियोन तक पीरियड नंबर 2 के केस में, या फिर बात की जाए लिथियम के बाद कौन है, सोडियम से नियोन के बाद आर्गन तक, और नीचे जो एलिमेंट्स हैं इनके कोरस्पोंडिंग भी बात की जाए तो देखिए हमें क्या मिलता है। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या क्या मिलती है, 1s1 या क्या मिलती है 1s2। n क्या है, एक पर्टिकुलर पीरियड की कोरस्पोंडिंग n क्या मिलता है आपको, n से मिलता है। n कितना मिलता है, 1 मिलता है। याद देखिए वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी लिथियम की, आपको काफी पहले बताया जा चुका है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, इस पूरी माया को बताया जा चुका है। देखिए वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होगी, यहां क्या होगी पी ब्लॉक एलिमेंट है 2s2 2p6 18th ग्रुप से बिलोंग करता है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s में होंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा होगा। एन की वैल्यू देखिए, एन सेम है, एन की वैल्यू 2 है। आगे देखिए, अगर बात की जाए थर्ड पीरियड के कोरस्पोंडिंग एन क्या होगा, 3 होगा। कैसे होगा, यहां देखिए ध्यान से देखिए, अगर बात की जाए सोडियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये 3s1 है, एन इसके लिए 3 है। और यहां देखिए आर्गन के लिए वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 है। देखिए आर्गन भी थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, पीरियड नंबर सेम है, एन की वैल्यू 3 होगी। और ये देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर हुआ है तो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी ब्लॉक के केस में 18th ग्रुप से जो बिलोंग करता है 18 - 10 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। आर्गन भी 18 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई होप इस पूरी माया को आपने जान लिया है। अलोंग पीरियड्स, आपको कुछ और पॉइंट्स को भी जानना होगा। ईच पीरियड स्टार्ट्स विद एल्कली मेटल हैविंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1। जी हाँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns1 होगी। एल्कली मेटल्स के केस में लिथियम के लिए, सोडियम के लिए, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम के लिए हम वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगी। n होगा पीरियड नंबर, n क्या होगा पीरियड नंबर होगा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इन सब के लिए n की वैल्यू इस प्रकार से चेंज होगी, n2 होगा लिथियम के लिए, n3 होगा सोडियम के लिए, n4 होगा पोटासियम के लिए। देखिए वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलती है, 2s1 3s1 4s1। आई होप इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। हर पीरियड स्टार्ट होगा एल्कली मेटल से, और किस कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट होगा, वैलेंस शेल की किस कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट होगा, ये आप देख चुके हैं। देखिए एंड कहां तक होगा, ईच पीरियड एंड्स विद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के केस में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 होगी। यानी मेन मुद्दा यहां पर यह है, ns1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम किसी भी पीरियड को स्टार्ट करेंगे और अंत करेंगे ns2 कॉन्फ़िगरेशन तक। ऐसा कब करेंगे, हीलियम के केस में, इन केस ऑफ हीलियम। अदर केसेस में क्या होगा, अदर केसेस में देखिए स्टार्ट करेंगे ns1 से, अंत होगा ns2 np6 तक। देखिए पीरियड का अंत होगा किस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ns2 np6 के साथ, और कहां से स्टार्ट करेंगे, ns1 से स्टार्ट करेंगे। यानी एक ऐसे एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे जिसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगी, और अंत करेंगे एक ऐसे एलिमेंट से
जिसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, यानी ऐसी गैसेस नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस होंगी, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस होंगी जिनकी इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। और ऐसे एलिमेंट्स कौन से होंगे? एल्कली मेटल्स, हम जानते हैं एल्कली मेटल्स। आई होप इस पूरे मुद्दे को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, ईच पीरियड स्टार्ट्स विद फिलिंग ऑफ न्यू सेल। जी हां, इस प्रकार से इस मेन मुद्दे की बात की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के बाद यहां पर आपको कौन मिलेगा? हीलियम मिलेगा। यहां देखिए, लिथियम के बाद, लिथियम के बाद नियोन, यहां देखिए सोडियम के बाद आर्गन। इस प्रकार से पूरी कहानी आपको मिलती जाएगी। हमें पूरी टेबल की तो बात नहीं करनी है, लेकिन उस मेन मुद्दे को डिस्कस करना है जो मुझे यहां पर आपको अंडरस्टैंड करवाना है। हर सेल के बाद हमें बात करनी होगी एक नई सेल की फिलिंग की, कैसे यहां से यहां तक एक सेल को फिल किया जाएगा, इसके बाद नया मेंबर जो आएगा नेक्स्ट पीरियड में, पहला मेंबर जो होगा वहां पर हमें नई सेल को फिल करना होगा। कैसे फिल करना होगा, आइए इसकी बात करें। देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन 1s1, हीलियम की 1s2, यहां देखिए लिथियम की वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन 2s1, नियोन की 2s2 2p6, यहां देखिए सोडियम की वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन 3s1, आर्गन की 3s2 3p6। देखिए यहां से हमने क्या एनालाइज किया है, यहां से हमने एनालाइज ये किया है, n इज इक्वल टू 1 है, यानी ऑर्बिट नंबर 1 है, शेल नंबर 1 है, इसका मीनिंग है सबसेल का नंबर भी 1 होगा, और पहली सबसेल जब भी होगी यस होगी, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक नंबर 2 की बात यहां पर n इज इक्वल टू 1 की कोरस्पोंडिंग की जा सकती है। दो एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा। आगे देखिए, n इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग, ध्यान दीजिएगा n इज इक्वल टू 2 के कोरस्पोंडिंग, देखिए ऑर्बिट नंबर 2 है, शेल नंबर 2 है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है यहां पर 2 सबसेल्स हो सकती हैं। जी हां, जो ऑर्बिट नंबर होगा, जो n की वैल्यू होगी इसके कोरस्पोंडिंग उतनी ही सबसेल्स होंगी जितनी n की वैल्यू है, जैसे s होगी और दूसरी कौन सी होगी? p होगी। s के बाद जो दूसरी सबसेल होगी वह सबसेल p होगी। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये आप जानते होंगे काफी पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन हो चुका है। यहां देखिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, s में मैक्सिमम 2 एंड p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, ये देखिए 6 आ सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। यानी हम यहां पर बात करेंगे लिथियम, लिथियम, लिथियम के बाद आगे बेरिलियम, बोरोन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन तक। जी हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात हुई है, यानी हर एक एटॉमिक नंबर के चेंज के साथ हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा। कितने एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा यानी 2s1 कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो केस होगा लिथियम का, और लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर p में होगा यानी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 होगी, तो ये केस होगा नियोन का। यानी सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? देखिए 6+2 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन भी होगा, जी हां फ्लोरीन 7, नियोन 8, 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपकी सेल कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए और यहां से सेल की फिलिंग स्टार्ट होनी चाहिए और यहां तक हमें फिल करना है। तो देखिए कितने एलिमेंट्स को रखा जा सकता है, देखिए फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट को रखा जा सकता है, ऐसे यहां पर सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स को रखा जा सकता है? अगर हम 2s1 से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करें
और कहां तक करें, 2s2 2p6 तक। तो आपने देखा 8 एलिमेंट्स को रखा जा सकता है, इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहां पर सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है। ऐसे ही आप दिमाग लगाएंगे थर्ड पीरियड में भी आपको 8 ही मिलेंगे, और इस प्रकार से आपको कंप्लीट पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही इस टेबल को बनाया गया है। आई होप अलोंग पीरियड आपने पूरी माया को अंडरस्टैंड किया होगा। अब आगे चलते हैं, हमें आगे अलोंग ग्रुप्स बात करने हैं। देखिए एक पर्टिकुलर ग्रुप में किस प्रकार से एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है, इसका आपको आइडिया होगा। प्रीवियस सेशन में भी इससे रिलेटेड हमारी बात हो चुकी है। अगर आपको याद हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने बात की थी, यानी वैलेंशियल की कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होंगी। कैसे सिमिलर होंगी, देखिए लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसियम ग्रुप वन के एलिमेंट्स के लिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगी। N की वैल्यू देखिए इस प्रकार से पीरियड नंबर से डिसाइड होगी, 2 होगा तो कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होगी, पीरियड नंबर 3 होगा तो कॉन्फ़िगरेशन वैलेंशियल की 3s1 होगी, एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर बात की जाए ग्रुप 2 की, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम की अगर बात की जाए, तो यहां देखिए वैलेंशियल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या मिलती है, जनरल वैलेंशियल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको NS2 मिलती है। N की वैल्यू इस प्रकार से वेरी होगी, N2 हो सकता है 3 हो सकता है, N होगा पीरियड नंबर, इससे आपको वैलेंशियल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। आई होप ये माया भी आप जानते होंगे। इनफैक्ट ये ट्रेंड डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी फॉलो होगा। जैसे पी ब्लॉक का केस लेंगे, बोरोन फैमिली का केस लेंगे, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, इस प्रकार से देखिए जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरोन फैमिली के मेंबर्स के लिए क्या होगी, NS2 NP1 होगी। यहां देखिए अगर सेकंड पीरियड की कोरस्पोंडिंग बात की जाए 2s2 2p1, थर्ड पीरियड की कोरस्पोंडिंग एल्यूमिनियम की वैलेंशियल की कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो क्या होगी, 3s2 3p1। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, एक पर्टिकुलर ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है जिनकी वैलेंशियल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिमिलर होगी। इस पूरी माया को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप्स हैं, ये आप देख चुके हैं। कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। आई होप आपने यहां तक सब कुछ अंडरस्टैंड किया है। अगर आप सब कुछ अंडरस्टैंड कर चुके हैं अलोंग ग्रुप्स अलोंग पीरियड्स, तो वक्त हो गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने का। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे इसको काउंट करने का वक्त हो गया है। बिल्कुल सिंपल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। देखिए इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे आपके सामने, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे, थर्ड में कितने होंगे, 8 होंगे, याद देखिए फोर्थ में कितने होंगे, 18 होंगे, फिफ्थ में भी 18 होंगे, सिक्स्थ एंड सेवन्थ में दिखने में तो 18 है लेकिन 18 होंगे नहीं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 14 यहां होंगे, 14 यहां होंगे। लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के लिए भी यहां देखिए पीरियड नंबर क्या है, 6 है। एक्टिनाइड सीरीज के लिए भी पीरियड नंबर क्या है, 7 है। तो 14 एलिमेंट्स यहां भी काउंट होंगे, यहां भी काउंट होंगे। तो यहां पर दिखने में आपको 18 एलिमेंट्स नजर आ रहे होंगे लेकिन एक्चुअल में 14 यहां से हमें यहां ऐड करने होंगे एंड 14 यहां से यहां ऐड करने होंगे। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, सिक्स एंड सेवन पीरियड में 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से आपको पर्टिकुलर पीरियड में एलिमेंट्स मिल पाएंगे। आपने देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8 हैं, देन 18 उसके बाद जैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हुई, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होने से देखिए आपको यहां पर सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स मिलते हैं, 32 मिलते हैं। यानी ये पीरियड्स वेरी लॉन्ग पीरियड्स होंगे, 18 एलिमेंट्स के साथ लॉन्ग पीरियड्स होंगे। ये देखिए 8 एलिमेंट्स के साथ शॉर्ट पीरियड्स होंगे और ये देखिए
देखिए फर्स्ट पीरियड टू एलिमेंट्स के साथ होगा, वेरी शॉर्ट पीरियड। आई होप इस पूरी माया को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, किसी भी पीरियड की स्टार्टिंग वहां से होगी, किसी भी पीरियड की स्टार्टिंग वहां से होगी जहां से हम किसी सेल को फिल करना स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, फ्रेश सेल की इन्वॉल्वमेंट होगी और उसको फिल करना स्टार्ट करेंगे, यानी एक नए पीरियड को हमने स्टार्ट किया है। और देखिए उस पीरियड के अंदर एलिमेंट्स को कहां तक प्लेस करना है, देखिए वहां तक प्लेस करना है, एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट तक इंक्रीज होता जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते जाएंगे। कब तक एलिमेंट्स को प्लेस किया जाएगा? तब तक प्लेस किया जाएगा जब तक वह पर्टिकुलर सेल कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पीरियड पर हमें मूव करना होगा और वहां पर एक और सेल की इन्वॉल्वमेंट होगी, और ऐसे ही एक एक यूनिट के साथ एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, एलिमेंट्स को प्लेस करते जाएंगे। कहां तक प्लेस करना है? वहां तक प्लेस करना है उस पर्टिकुलर पीरियड में, वहां तक प्लेस करना है जहां तक वह पर्टिकुलर सेल जिसकी फिलिंग आपने स्टार्ट की है वह सेल कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए। जैसे ही कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी उसके बाद हमें नेक्स्ट पीरियड पर मूव कर जाना है। अगर आपने इस पूरी कहानी को अंडरस्टैंड किया है तो इसके बाद हमें बात करनी है आईयूपीएसी नेमिंग की। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग अटोमिक नंबर मोर देन हंड्रेड। देखिए 100 से ज्यादा अटोमिक नंबर हो तुम किस प्रकार से एलिमेंट्स की नेमिंग कर सकते हैं, सिस्टमैटिक नेमिंग कर सकते हैं, इसके कुछ रूल्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में हमें सजेस्ट किए हैं, उन सभी रूल्स को हमें फॉलो करना है। देखिए रूल नंबर वन क्या है, हमें न्यूमेरिकल रूट्स यूज करने होंगे। रूल नंबर वन इज न्यूमेरिकल रूट्स आर यूज्ड फॉर ईच डिजिट ऑफ अटोमिक नंबर इन सेम सीक्वेंस as indicated by atomic number and name IUPAC name of element ends with suffix em से एंड होगा। कैसे एंड होगा? पूरी कहानी को हमें जानना है। जो न्यूमेरिकल रूट्स हम यूज करेंगे, ये न्यूमेरिकल रूट्स डिराइव्ड होंगे लैटिन से, ग्रीक से, ये डिराइव्ड होंगे किससे? लैटिन से, ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ग्रीक से। किस प्रकार से होंगे? देखिए जीरो के लिए क्या यूज करेंगे? जीरो के लिए नील यूज करना होगा, वन के लिए अन यूज करना होगा, टू के लिए बाई, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए क्वाड, फाइव के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए सेप्ट, एट के लिए ओक्ट, नाइन के लिए क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। आई होप आपने इन सभी डिजिट्स के कोरस्पोंडिंग जो भी न्यूमेरिकल रूट्स यूज होंगे, इन रूट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां से नोट कर ली होगी, और किस सीक्वेंस में इनको यूज करना है, उसी सीक्वेंस में यूज करना है जिस सीक्वेंस में एटॉमिक नंबर में हमें डिजिट्स मिलेंगे। जैसे एटॉमिक नंबर में हमें डिजिट्स 1, 1, 2 इस प्रकार से मिलते हैं, तो 1 के लिए आप क्या यूज करेंगे? अन यूज करेंगे। एक और 1 है, इसके लिए अन यूज करेंगे। 2 के लिए आप क्या यूज करेंगे? देखिए बाई यूज करेंगे, 2 के लिए बाई यूज करेंगे। और इसके बाद देखिए आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिमेंट एंड्स विद सफिक्स ईएम, लास्ट में हमें क्या यूज करना होगा? देखिए इनको ऐड करने के बाद लास्ट में हमें ईएम भी यूज करना होगा। अगर आपने इस पूरी माया को जान लिया है तो इसके बाद रूल नंबर 2 देखिए, द रूट्स आर पुट टुगेदर इन द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, जी हां ऑलरेडी देख चुके हैं, विच मेक अप द एटॉमिक नंबर एंड
टर्मिनेटेड बाय ईएम टू स्पेल आउट, हम जानते हैं 112 के केस में देख चुके हैं, अन 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 बाय, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में ईएम आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इसके आईयूपीएसी नेमिंग करनी होगी। और भी कुछ रूल्स का ध्यान रखना है। द सिंबल ऑफ एलिमेंट, द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ इनिशियल लेटर्स ऑफ न्यूमेरिकल रूट्स विच मेकअप द नेम। देखिए 111 कोई एलिमेंट है एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 111, ये इसका एटॉमिक नंबर जेड है, इसका नाम क्या होगा अन 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 और लास्ट में ईएम। तो आप बताइए मुझे इसका सिंबल क्या होगा। देखिए तो न्यूमेरिकल रूट्स का फर्स्ट लेटर होगा, हर डिजिट के लिए जो फर्स्ट लेटर होगा इसके कॉम्बिनेशन से बन पाएगा इसका सिंबल। तो इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल यू 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 होगा। देखिए यू यहां से, यू यहां से और यू यहां से। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो काफी सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद, देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो पाएगी। उससे पहले लास्ट रूल देखिए, इन सम केसेस नेम्स आर मिनिमाइज्ड। जी हाँ, कुछ केसेस में न्यूमेरिकल रूट्स के कुछ लेटर्स को हमें क्या करना होगा, डिस्कार्ड भी करना होगा। कैसे डिस्कार्ड करना होगा, देखिए बाई प्लस ईएम इस प्रकार से, अगर दो आई एक साथ मिलते हैं तो एक आई को डिस्कार्ड करना होगा और इसको ऐसे इंडिकेट करना होगा। ऐसे ही एन प्लस नील, तीन एन एक साथ हो तो एक एन को डिस्कार्ड करना होगा और ऐसे इंडिकेट करना होगा। ये ध्यान रखना है दो आई एक साथ नहीं आएंगे, एक आई को डिस्कार्ड करना होगा, तीन एन एक साथ नहीं आएंगे, एक एन को देखिए डिस्कार्ड करना होगा। जब भी आईयूपीएसी नेमिंग में ऐसा देखने को मिलेगा तो आपको ध्यान रखना होगा, एक आई को इस प्रकार से डिस्कार्ड कर देंगे, दो आई एक साथ होंगे और तीन एन एक साथ होंगे तो एक एन को डिस्कार्ड कर देंगे। आई होप आपने यहां तक इस पूरी माया को अंडरस्टैंड किया है। अब देखिए आपको क्या करना होगा, अब आपको इन सभी एलिमेंट्स के आईयूपीएसी नेम इंडिकेट करने होंगे। एटॉमिक नंबर 101 से स्टार्ट करना है और एटॉमिक नंबर 120 तक इस प्रकार से सिंबल्स भी इंडिकेट करने हैं। यहां से आंसर नोट नहीं करना है, सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा इस प्रकार से 101 से लेकर 120 तक क्या आपने करेक्टली आईयूपीएसी नेम्स को इंडिकेट किया है। अगर आपको ये आईयूपीएसी नेमिंग की पूरी माया अंडरस्टैंड हो चुकी है तो नेक्स्ट सेशन में हम शुरुआत करेंगे मैजिक नंबर्स के साथ, मैजिक नंबर्स के मैजिक के साथ। अभी इस सेशन में इतना ही, आज मैं आपको अलविदा कहूंगा, मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपना काम टाइम पर फिनिश करें, ये जरूरी है। स्माइल करना जरूरी है और साथ में काम टाइम पर फिनिश करना भी जरूरी है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।